नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है योग पर आधारित कार्यक्रम योग शक्ति में। आप हमें देख रहे हैं CIET NCERT के इस लाइव इंटरेक्टिव फोन इन सेशन में और ई विद्या चैनल नंबर 6 से 12 के साथ ही आप हमें हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल NCERT ऑफिशियल के माध्यम से भी देख रहे हैं। आज का हमारा कार्यक्रम बहुत खास होने जा रहा है क्योंकि आज योग शक्ति कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करेंगे कैसे आप योग के माध्यम से एग्जीक्यूटिव स्ट्रेस पर जो है काम कर सकते हैं और उसे दूर भगा सकते हैं। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आज योग शक्ति कार्यक्रम के माध्यम से मैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। मैं सृजन राजपूत हूँ। इससे पहले कि हम सत्र को आगे बढ़ाएं, एक जानकारी जो कि आज के दिन के लिए बेहद खास है आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। चलो मिलकर तनाव पर काबू पाते हैं, जीवन को उत्सव के रूप में मनाते हैं, परीक्षा पे चर्चा में आते हैं। जी हाँ, आप सभी के लिए सुनहरा अवसर है आज परीक्षा योद्धा बनने का। 29 जनवरी 2024 का आज दिन है और 11 बजे होगा कार्यक्रम, लोकप्रिय कार्यक्रम जो कि है सभी का, सभी बच्चों के लिए, उनके अभिभावकों के लिए और उनके टीचर्स के लिए भी। ये कार्यक्रम है परीक्षा पे चर्चा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आप सभी के साथ वार्तालाप करेंगे, संवाद करेंगे। तो आप ये अवसर बिल्कुल ना गंवाएं, ज़रूर इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बने। आज होगा ये कार्यक्रम 11 बजे भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में। तो चलिए इसके साथ अब हम योग शक्ति कार्यक्रम के माध्यम से बात करने शुरू करते हैं कि किस तरह आप एग्जीक्यूटिव स्ट्रेस जो है उसको दूर भगा सकते हैं योग के माध्यम से। क्योंकि ये एक लाइव इंटरैक्टिव सेशन है, मैं चाहूँगी अगर आपके मन में हमारे आज के योग अभ्यासों से, क्रियाओं से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो बिना समय गंवाएं आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, ये है 8800440559, या फिर आप हमें मेल लिख सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं हमारी मेल आईडी पर, यह है mtnivy@yahoo.co.in, या फिर आप हमें हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल NCERT ऑफिशियल के माध्यम से देख रहे हैं। वहीं नीचे लाइव चैट बॉक्स ऑप्शन में अपना कमेंट पोस्ट करें और जानें कि क्या आप भी एग्जीक्यूटिव स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, तो ऐसे में योग आपकी क्या सहायता कर सकता है। इस बारे में ज़्यादा जानकारी हमें हमारे योगा एक्सपर्ट देंगे। सर का परिचय आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगी। सर है कौतुक किशोर चतुर्वेदी, आप योगा इंस्ट्रक्टर हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्र में। इन सभी योग क्रियाओं को दिखाने के लिए हमारे साथ डेमोंस्ट्रेटर है कोमल वत्स। आप एलुमनाई हैं MTNIY से, मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से। कोमल आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्र में। आप सभी को ये भी बताना चाहूंगी कि ये कार्यक्रम आप आयुष मंत्रालय भारत सरकार, मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और CIET NCERT के संयुक्त प्रयासों से देख रहे हैं और रोजाना सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह 8 से 8:45 तक आप इसे हमारे चैनल 6 से 12 पर देखते हैं। और NCERT ऑफिशियल के माध्यम से आप हमारे सभी सत्रों को कभी भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने परिजनों के साथ भी साझा कर सकते हैं। तो चलिए बिना क्षण गवाए आज के सत्र को शुरू करते हैं और सर से पहले जानते हैं कि सर ये एग्जीक्यूटिव स्ट्रेस होता क्या है और कैसे ये हमारी लाइफस्टाइल के साथ ऐड हो गया है अचानक से, क्योंकि पहले तो हमने कभी एग्जीक्यूटिव स्ट्रेस नहीं सुना, क्योंकि अब काम का ऐसा बर्डन है या फिर कह लीजिए कि सब कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ इतना बढ़ रहे हैं, एग्जीक्यूशन लेवल इतना बढ़ गया है, तो ये स्ट्रेस मुझे लगता है हो गया है। एग्जैक्टली सबसे पहले तो योग शक्ति के इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि आज एग्जीक्यूटिव स्ट्रेस पे आप लोगों से बातचीत करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। विकसित भारत, उन्नत भारत के मिशन में जिस तरह से लोग, भारत के निवासी, भारत की सरकार काम कर रही है, उसको देख के लगता है कि एग्जीक्यूटिव्स, आज का युवा अपना मैक्सिमम पोटेंशियल पे काम करने के लिए ललायित और उत्साहित है। ऐसी स्थिति में मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि काम करने के दौरान एग्जीक्यूटिव स्ट्रेस होना लाजमी है, आता ही आता है। संबंध एग्जीक्यूटिव स्ट्रेस क्या है? जब आप जॉब करना स्टार्ट करते हैं, आपके पास असाइनमेंट्स आने शुरू होते हैं, आपकी डेडलाइंस आनी शुरू होती हैं, तो चाहे अनचाहे में भी कई तरह के थॉट्स, कई तरह के विचार आपके बॉडी में आने शुरू हो जाते हैं और कई तरह का तनाव आपके शरीर में पैदा होता है। इसका ये कंसर्न है कि इस कारण से आप अपने पूरे पोटेंशियल पर काम नहीं कर पाते हैं। और स्ट्रेस का एक पैमाना होता है कि अगर आपके बॉडी में ब्लड कॉर्टिसोल की समस्या काफ़ी ज़्यादा, लेवल काफ़ी ज़्यादा है, तो लोग कहेंगे कि भैया यू आर इन क्रोनिक स्ट्रेस, आप काफ़ी क्रोनिक स्ट्रेस में हैं या एक्यूट स्ट्रेस में हैं जी। मान लीजिए कि कोई शॉर्ट टर्म असाइनमेंट है, कोई छोटा असाइनमेंट है जिसको आपको अगले 2 से 3 दिन में डिलीवर करना है,
तो उस समय आपका एक एक्यूट स्ट्रेस पैदा होगा कि ठीक है, 3 दिन का असाइनमेंट है, वो डिलीवर हुआ, डिलीवर होने के बाद वो चीज सॉल्व हो गई। लेकिन अगर वही हैबिट में, वही रूटीन में, उसी प्रोसेस में लोग आ गए तो वो क्रोनिक स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है जी। और क्रोनिक स्ट्रेस के कारण उसके शरीर पे कई तरह के प्रभाव पड़ने शुरू हो जाते हैं। लोगों को ब्रेन से रिलेटेड, आंखों से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, टेस्ट से रिलेटेड, श्वासों से रिलेटेड, डायबिटीज जैसी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अराइज होनी शुरू हो जाती हैं। लोग बोलते हैं ना कि सैलरी पैकेज और पर्क्स तो एक पैकेज है, लेकिन बीमारियों का जो पैकेज है उसके बारे में कॉर्पोरेट में कोई बात नहीं करता जी। लेकिन ये सारी की सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसके बारे में आमतौर पे पब्लिक डिस्कोर्स और लोगों के बीच में डिस्कशन होना, एग्जीक्यूटिव्स के बीच में डिस्कशन होना जरूरी है जी। आज के अभ्यास में हम लोग कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करने जा रहे हैं जिन्हें आप ऑफिस में अपने चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। ठीक है, इसको किए जाने से आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे, बॉडी के फंक्शन जिस तरह से आपका शरीर काम कर रहा है उसको कर पाएंगे जी। अपने थॉट को मैनेज कर पाएंगे। डीप वर्क, आजकल डीप वर्क का कल्चर पैदा हो गया है कि भैया अगर मैं 4 घंटे ही काम करूं तो 4 घंटे पूरी तरह काम करूं। बिल्कुल। तो डीप वर्क के कल्चर में अपने आप को और बेहतर तरीके से इन्वॉल्व कर पाएंगे और ज्यादा बातें किए बगैर हम लोग अभ्यास की ओर स्विच करना चाहेंगे। बिल्कुल सर, आपसे चाहेंगे कि आप हमारे सभी दर्शकों को आज का अभ्यास दिखाएं। चलिए, तो सबसे पहले अपनी दोनों आंखें बंद करें, दोनों हथेलियों को जोड़ लें। ये प्रार्थना मुद्रा है। प्रार्थना मुद्रा के लिए सबसे पहले बंद आंखों से अपने पूरे शरीर पर ध्यान दें। आपके शरीर में कहां कहां किस प्रकार का तनाव हो रहा है, गर्दन में कोई अकड़न तो नहीं है, कमर में कोई दर्द तो नहीं है, पैरों में, घुटनों में, हील्स में कोई पेन तो नहीं है। एक बार बंद आंखों से अपने पूरे शरीर को ऑब्जर्व कीजिए। इस ध्यान के बाद एक लंबी, धीमी व गहरी श्वास भरें। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे जी। श्वास भरिए, ओ, एक बार पुनः रिपीट करेंगे, ओ, एक अंतिम बार, ओ, दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर लगाएं। धीरे धीरे हथेलियां हटाते हुए आंखें खोल दीजिए। चलिए, चालन क्रियाओं से आज के सत्र का प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले ग्रीवा चालन का अभ्यास है। तो ग्रीवा चालन के लिए मध्य स्थिति में श्वास भरिए, मिडल में श्वास भरिए, इनहेल, और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी तरफ यानी राइट साइड ट्विस्ट कीजिए। यथासंभव, यथाशक्ति, टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी गर्दन को घुमाने का प्रयास करें, बहुत ज़्यादा जोर ना दें। दोबारा सांस भरते हुए बीच में आइए, श्वास छोड़ते हुए एक्सहेल करते हुए गर्दन को बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड ट्विस्ट कीजिए। एक बार पुनः श्वास भरते हुए आइए बीच में, श्वास छोड़ते हुए जाइए दाईं ओर राइट साइड, गर्दन को यथाशक्ति नॉर्मल तरीके से नॉर्मल पोजीशन में मेंटेन करना है, स्ट्रेस नहीं देना है। दोबारा श्वास भरते हुए आइए बीच में, श्वास छोड़ते हुए जाइए बाईं तरफ लेफ्ट साइड, यथासंभव, यथाशक्ति, जितना आराम से अपनी कैपेसिटी के अनुसार गर्दन को घुमा सकते हैं उतना घुमाइए, आइए बीच में। अब श्वास भरते हुए गर्दन को उठाइए ऊपर की तरफ, इनहेल, रेज द नेक अप,
ऊपर उठाने पर गर्दन को पूरा स्ट्रेच करने का प्रयास कीजिए। क्या हो गया है आज के डेट में लोग गर्दन को नीचे इतना झुका लेते हैं कि गर्दन का जो कर्व है वो कर्व समाप्त होने लगता है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन को लाइए नीचे। एक्सहेल, ब्रिंग द नेक डाउन। जिन लोगों को सर्वाइकल की समस्या है वो लोग गर्दन को अपनी क्षमता अनुसार ही नीचे लाएं, वो लोग बहुत ज़्यादा नीचे की ओर स्ट्रेच ना करें। एक बार पुनः श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर उठाइए, स्ट्रेच कीजिए मैक्सिमम। श्वास छोड़ते हुए गर्दन लाइए नीचे। आराम आराम से, झटका बिल्कुल नहीं देना है, आराम आराम से अपनी शक्ति अपनी क्षमता अनुसार करना है। श्वास भरते हुए गर्दन को मध्य में ले आइए, बीच में ले आइए। अब गर्दन को दाईं व बाईं ओर झुकाना है। श्वास भरिए मध्य में, इनहेल। एक्सहेल करते हुए गर्दन झुकाइए दाईं तरफ। पुनः श्वास भरते हुए आइए बीच में। श्वास छोड़ते हुए जाइए बाईं ओर, लेफ्ट। श्वास भरते हुए आइए सेंटर। श्वास छोड़ते हुए जाइए दाईं तरफ। श्वास भरते हुए आइए बीच में। श्वास छोड़ते हुए जाइए बाईं ओर, लेफ्ट साइड। गर्दन पूरी झुकाने का प्रयास करें। ग्रीवा का ये अभ्यास गर्दन और उसके आसपास के मसल्स के ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करने में हेल्पफुल होता है। आइए धीरे धीरे वापस। अब ग्रीवा का हम लोग अंतिम अभ्यास करेंगे। श्वास भरिए मध्य में। अब श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे की तरफ खींचना है। जैसा कि आप देख सकते हैं किस तरह से गर्दन को आगे की तरफ स्ट्रेच किया जा रहा है। गर्दन की सारी फ्रंटल जो मसल्स हैं, जो थ्रोट वाला एरिया है, ये पूरा एरिया स्ट्रेच होता है, इम्पैक्ट होता है। पुनः श्वास भरते हुए गर्दन को लाइए पीछे की तरफ। अब चिन को पीछे की तरफ खींचने का प्रयास करिए, जितना पीछे की तरफ ले जा सकते हैं। आउटस्टैंडिंग। गर्दन सीधी रखनी है, गर्दन को पीछे की तरफ ठेलना नहीं है, गर्दन सीधी रखनी है। बहुत सुंदर। आइए मध्य में, बीच में आइए। एक बार फिर से मध्य में श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे की तरफ पुश कीजिए, स्ट्रेच करिए। क्या होता है कि समय के साथ आपके जो वर्टिब्रास के बीच की मसल्स होते हैं, इसको हम डिस्क बोलते हैं, इन डिस्क में फाइबर जमना शुरू हो जाता है। उनका जो लिक्विड है वो लिक्विड धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाता है। इसे डिस्क डेसिकेशन कहा जाता है। तो ये अभ्यास मसल्स के ब्लड सर्कुलेशन को सेट रखते हैं, डिस्क डेसिकेशन होने की संभावना को कम से कम करते हैं। पुनः श्वास भरते हुए आइए बीच में। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को पीछे की तरफ पुश कीजिए। वेरी गुड। चिन को सीधा रखते हुए गर्दन को मूव करने का प्रयास करना है। बहुत सुंदर। आउटस्टैंडिंग। आइए सेंटर। इस अभ्यास में, जो अंतिम अभ्यास हमने किया, इसमें कोशिश करनी चाहिए कि गर्दन को आगे स्ट्रेच करने के बाद 3-3 सेकंड कम से कम होल्ड किया जाए। 3 सेकंड आगे होल्ड किया, फिर 3 सेकंड पीछे होल्ड किया, 2 राउंड्स किए, 2 राउंड के बाद नहीं किया। क्योंकि क्या होता है, गर्दन के अभ्यास में, खासतौर पर एग्जीक्यूटिव्स में देखा गया है कि यदि आप गर्दन पे ज़्यादा इम्फेसिस करते हैं तो किसी किसी को चक्कर आने की संभावना या चक्कर आने का स्कोप बन जाता है। तो जहाँ पे भी आपको डिजीनेस की फीलिंग हो, वहाँ पे उस अभ्यास को वहीं पे रिलीज कर देना है, वहीं पे स्टॉप कर देना है। चलिए, इसी के साथ ग्रीवा के जो 4 अभ्यास थे वो पूरे हुए। अब हम लोग स्कंध यानी शोल्डर पे आएंगे। तो स्कंध संचालन के लिए सबसे पहले हम लोग दोनों हथेलियों को इस तरह से अपने घुटने पर रखे रहेंगे। और घुटने पर रखने के बाद शोल्डर को पहले ऊपर, पीछे, नीचे और नॉर्मल, इस तरह से, यानी विपरीत दिशा में आगे से पीछे की ओर रोटेट करेंगे। पूरा रोटेट कीजिए। इस अभ्यास को 5 बार किया जाएगा। 3, वेरी गुड। 4, आराम आराम से करना है। 5, बहुत सुंदर, स्लोली। अब इसी को विपरीत दिशा, स्कंध चालन के इसी अभ्यास को विपरीत दिशा में करना है। 1, 2, 3, 4, वेरी गुड। 5, रिलीज, छोड़ दीजिए। बहुत सुंदर। अब
इसी के साथ जो हम अगला अभ्यास करेंगे वो है स्कंद खिंचाव का। स्कंद खिंचाव हेतु सबसे पहले दोनों हाथों को अपने चेहरे के सामने लेकर आइए, दोनों उंगलियों को आपस में इंटरलॉक कीजिए, हथेलियों को हथेली पलट दीजिए। हथेली पलटने के बाद इसी स्थिति में दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींच के ले जाइए, बहुत सुंदर। इस स्थिति में आने के बाद श्वास भरेंगे इनहेल, और श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों शोल्डर्स को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, कीजिए, बहुत सुंदर। इस अभ्यास को, इस स्थिति को 5 से 6 सेकंड होल्ड करना है। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, पोजीशन ले लेते हैं, हाथ ऊपर उठा देते हैं, वहीं रुक जाते हैं, लेकिन इसमें हमने डेलिबरेटली दोनों शोल्डर्स को ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया है। धीरे से पहले दोनों शोल्डर्स को नीचे लेकर आइए, हाँ वेरी गुड, अब दोनों हाथों को सामने लेकर आइए, हथेलियाँ पलट दीजिए, हथेलियाँ पलट के हाथों को वापस ले आइए, दोनों हथेलियाँ नीचे। ये इसकी प्रारंभिक स्थिति थी, वार्म अप प्रैक्टिस थी। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा एडवांस अभ्यास करेंगे। एडवांस अभ्यास हेतु पुनः अगेन अपने दोनों हथेलियों को अपने चेहरे के सामने लेकर आइए, फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए, हथेली पलट दीजिए, हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए, बहुत सुंदर। अब इस स्थिति में मध्य में श्वास भरिए इनहेल, और एक्सहेल करते हुए झुक जाइए दाईं तरफ, राइट साइड, बहुत सुंदर। इस स्थिति में अपनी शक्ति अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करना है। शुरुआत में इसको करने में तकलीफ हो सकती है, लेकिन तकलीफ हो तो घबराना नहीं है। 5, 4, 3, 2, 1 धीरे से आइए बीच में श्वास भरते हुए। अब इसी स्थिति में श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुक जाइए, लेफ्ट साइड, बेंट लेफ्ट साइड। क्षमता, स्थिति, शक्ति, सामर्थ्य इसके अनुसार करना है, ओवर स्ट्रेच नहीं करना है, शरीर में बहुत ज़्यादा तनाव नहीं देना है, आराम आराम से करना है। 5, 4, 3, 2, 1 आइए वापस। चलिए दोनों हथेलियों को सामने लेकर आएं, हथेली पलट दीजिए, हाथों को नीचे ले आइए, बहुत सुंदर। क्या होता है मैम, आमतौर पे लोग कॉर्पोरेट्स में, एग्जीक्यूटिव्स में फेस ऑफ द कंपनी बनना चाहते हैं जी, लेकिन क्या है ना, स्पाइन ऑफ द कंपनी की कोई बात नहीं करता। इसलिए बहुत सारे लोग फेस और स्पाइन जब दोनों को मैनेज कर सकें वो लोग कंपनी में बहुत तेजी से ऊपर उठते हैं। इसलिए अपने स्पाइन का विशेष ध्यान रखें। हम लोगों ने नेक, शोल्डर, इन दोनों पर अभी अभ्यास किया। पिछला अभ्यास जो हमने किया था ये पूरे के पूरे स्पाइन और उसके आसपास के मसल्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उसके ब्लड सर्कुलेशन को सेट करने के लिए, मसल्स को हेल्दी रखने के लिए किया गया था। अब अगला अभ्यास जो हम करने जा रहे हैं वो कोहनी का अभ्यास करने जा रहे हैं। कोहनी यानी आवर एल्बोज, ठीक है। कोहनी के लिए सबसे पहले दोनों हथेलियों को अपने चेहरे के सामने लेकर आएं, हथेलियाँ पलट दीजिए, हथेलियों का रुख आसमान की तरफ, श्वास भरिए इनहेल, और श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को अपने कंधों पर ले आएं, अपनी कोहनी को पूरा स्ट्रेच करें। आपका एम्फेसिस कोहनी और कोहनी के नीचे जो मसल्स हैं इस पे स्ट्रेच में होना चाहिए। अब दोबारा श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों को सामने की तरफ स्ट्रेच कीजिए, श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को कंधे पर ले आइए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एक अंतिम बार करेंगे, श्वास भरते हुए दोनों हथेलियां सामने की ओर, और श्वास छोड़ते हुए दोनों कोहनियां वापस। चलिए दोनों हथेलियों को दोबारा सामने की तरफ रिलीज करिए, हथेलियां नीचे ले आइए। अगला अभ्यास जो हम इसमें करने जा रहे हैं वो बैठकर उत्तान मंडूक आसन करने जा रहे हैं। उत्तान मंडूक आसन आमतौर पर वज्रासन में दोनों पैरों को खोलकर किया जाता है, लेकिन ऑफिस में क्यूबिकल्स के टाइम में वज्रासन में बैठने वाली स्थिति होने की संभावना काफ़ी कम है, इसलिए चेयर पर बैठ के ही किया जाएगा। दोनों हथेलियों को सबसे पहले राइट हैंड को राइट साइड उठाइए, पूरा ऊपर उठाइए, स्ट्रेच कीजिए। अब राइट पाम को यानी दाहिनी हथेली को लेफ्ट शोल्डर ब्लेड पर रख दीजिए, बायां हाथ उठाइए, बाईं हथेली को राइट शोल्डर ब्लेड पे रख दीजिए,
गर्दन को सामने सीधा रखिए, गर्दन चिन को थोड़ा सा ऊपर उठाने का प्रयास करिए, कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, प्रयत्न करिए कि आपकी स्पाइन स्ट्रेट हो, स्पाइन अपर बैक के जो मसल्स हैं वो मसल्स थोड़े से एक्टिवेटेड हों, बॉडी सेट रहे, स्ट्रक्चर सेट रहे। ऐसा करने पे कई लोगों को अपने लोअर बैक में पेन की शिकायत हो सकती है, खासतौर पे राइट साइड में या लेफ्ट साइड में लोग बोल सकते हैं कि सर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पेन हो रहा है, तो उसको लेके परेशान बिल्कुल नहीं होना है। इस अभ्यास का नियमित रूप से अगर आप रिपीटेशन करते हैं, इस आसन को नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, तो विथ टाइम दैट पेन विल वैनिश, समय के साथ वो पेन समाप्त हो जाएगा। अब सबसे पहले अपना लेफ्ट हैंड जो अभी आपके लेफ्ट स्कैपुला पे, राइट स्कैपुला पे है, उसको नीचे ले आइए। अब राइट हैंड जो आपके लेफ्ट स्कैपुला पे है उसको उठाइए, उसको उठा के नीचे ले आइए। ये था उत्तान मंडूकासन। अगला अभ्यास जो हम करने जा रहे हैं स्थिति में वो है अंगुली शक्ति विकासक। तो अंगुली शक्ति विकासक की दो क्रियाएं हैं। पहली क्रिया में हम लोग दोनों हाथों को अपने छाती के सामने लेकर आएंगे, यहीं पर दोनों उंगलियों को पूरी जान लगा के, पूरा जोर लगा के फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके क्लॉज वाली स्थिति बनाएंगे, जिस तरह से बाज का पंजा होता है, शेर का पंजा होता है, वो वाली स्थिति हम लोग बनाएंगे। आमतौर पे क्या होता है ना, आप लोग काम करेंगे तो कभी ऑब्जर्व करेंगे कि आपके लेफ्ट हैंड में हल्का हल्का मूवमेंट शुरू हो गया है, राइट हैंड में हल्का हल्का मूवमेंट शुरू हो गया है, तो उन बहुत बहुत छोटी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो बेसिकली मसल्स और नर्व्स की आपसी जो डाइकॉटमी है वो मेंटेन ना होने के कारण ऐसा हो जाता है। धीरे से रिलीज करिए। तो उन प्रैक्टिसेस को या उन माइनर प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए ये एक उंगली शक्ति विकासक का अभ्यास बहुत नेसेसरी है। फिर से एक बार रिपीट करेंगे, पूरा जोर लगा के पूरी शक्ति से उंगली शक्ति विकासक करिए, उंगलियों का जो हाथों का हथेलियों का अंतिम पोज है उसको क्लॉज के अनुसार बनाइए, होल्ड कीजिए। कोशिश करनी चाहिए कि इसको जब आप होल्ड करें तो कम से कम 5 सेकंड होल्ड करें, रिलीज करिए, धीरे से लाइए वापस। एक अंतिम बार इसको रिपीट करना था, बहुत सुंदर। कई बार ऐसा हो सकता है कि इस अभ्यास को करने के दौरान आपको हाथों में दर्द हो जाए, किसी प्रकार का फटीग आ जाए, तो उसको लेके परेशान नहीं होना है, ब्रेक ले लेना है, ब्रेक लेके रिपीट करना है, लेकिन कोशिश करनी है कम से कम 3 बार करें। चलिए स्टार्ट। क्लॉज बनाइए, अंतिम स्थिति में लेकर आइए। अंतिम स्थिति में लाने के बाद कुछ देर होल्ड करिए, 5, 4, 3, 2, 1 रिलीज, छोड़ दीजिए। अब हाथों को नीचे ले आइए, बहुत सुंदर। अब क्या है, कई लोगों का ये कहना है कि सर हमारे लिए बड़ा मुश्किल प्रैक्टिस है, हम हाथों को होल्ड नहीं कर पाते, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है। कई बार क्या होता है ना, कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है। कार्पल टनल सिंड्रोम का मतलब ये हो गया कि आपके जो टिप ऑफ द फिंगर्स हैं इसमें नंबनेस आनी शुरू हो जाती है। तो उसको सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही सरल योग अभ्यास है, अपनी 10 उंगलियों को एक साथ मिला लीजिए, टिप ऑफ द फिंगर्स, वेरी गुड, बहुत सुंदर। अब केवल टिप्स को एक दूसरे के साथ पुश कीजिए, पूरा जोर लगा के, पूरी क्षमता अनुसार। आप सामने देख पा रहे हैं कोमल बहुत सुंदर तरीके से डेमोंस्ट्रेट कर रही हैं। 6, 5, 4, 3, 2, 1 रिलीज। अभी हाथों को छोड़ना नहीं है, हाथों को ढीला करना है, हाथों को छोड़ना नहीं है। एक बार पुनः दोनों हथेलियों को प्रेस कीजिए, स्ट्रेच कीजिए मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा पूरा जोर लगाने का प्रयास करिए, होल्ड करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिलीज। आइए वापस, बहुत सुंदर। इस अभ्यास को भी आमतौर पे 3 बार रिपीट करना चाहिए, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम हम लोग इसको 2 बार ही करेंगे, ठीक है। अगला अभ्यास है मणिबंध चक्र। मणिबंध चक्र के लिए अपने दोनों हाथों को छाती के सामने लेकर आइए, सामने हाथ स्ट्रेट, अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर, फोल्ड कीजिए। अब दोनों हथेलियों को अंदर से बाहर की तरफ रोटेट करना है, स्टार्ट, 1 वेरी गुड, 2, 3, 4 आराम आराम से, 5 बहुत सुंदर, 6 चेंज बाहर, अब अंदर से बाहर अपोजिट साइड, 1, 2 धीरे धीरे स्लोली स्लोली, 3, 4, 5, 6 बहुत सुंदर, रिलीज, आउटस्टैंडिंग, छोड़ दीजिए। ये सारे अभ्यास हुए।
अब बैठ के किए जाने लायक जो बाकी अन्य अभ्यास हैं उस श्रृंखला में जो अगला अभ्यास है वो है कुर्सी पर बैठकर किए जाने वाला कटी चक्रासन। क्या है, बैठे हुए में हमारे हिप्स में हमारे स्पाइन में फटीग आ जाता है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग चेयर पर बैठ के ही कटी चक्रासन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग दाहिनी ओर यानी राइट साइड ट्विस्ट करेंगे। राइट साइड ट्विस्ट करने के लिए सबसे पहले अपना लेफ्ट हैंड अपने राइट नी पे रखिए, बहुत सुंदर। अब अपने राइट हैंड को जो पीछे चेयर का सपोर्ट है उस पे ले जाइए, कमर को पूरा ट्विस्ट कीजिए और गर्दन को भी पीछे पूरा ट्विस्ट करिए। पीठ को यथासंभव सीधा रखने का प्रयास करिए, सामने की ओर झुकना नहीं है, ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच कीजिए पूरा। इस अभ्यास को कम से कम 10 सेकेंड्स होल्ड कीजिए, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलीज। आइए वापस एक बार पुनः इसको विपरीत यानी लेफ्ट साइड से करेंगे। तो लेफ्ट साइड से करने के लिए सबसे पहले राइट हैंड को लेफ्ट नी पे रखिए, लेफ्ट हैंड को पीछे चेयर के सपोर्ट के पास रखिए, पूरी कमर ट्विस्ट करिए, गर्दन को पीछे की ओर ले जाइए, गर्दन सीधी रखिए, स्ट्रेच कीजिए मैक्सिमम, पूरी कमर घुमा के रखनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आइए वापस, बहुत सुंदर। इसी अभ्यास को एक बार पुनः रिपीट करेंगे। राइट साइड घुमाइए कमर को पूरा, कमर को पूरा ट्विस्ट कीजिए। इस अभ्यास को करने में एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि आपका जो बॉडी वेट है वो किसी एक हिप पे ना शिफ्ट हो जाए। बॉडी वेट को दोनों हिप्स पे पैरेलली बैलेंस करके रखना है। और धीरे से आइए वापस बीच में, अगेन लेफ्ट साइड ट्विस्ट मैक्सिमम, मैक्सिमम पॉसिबल। कई बार क्या होता है ना, काम करते 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 हम ये तो रियलाइज़ कर लेते हैं कि ठीक है हमने ये काम बहुत अच्छा किया, ये असाइनमेंट बहुत अच्छा डिलीवर किया, चलता जा रहा है। लेकिन जब इस तरह के छोटे छोटे सेशंस होते हैं तो उसमें आपको रियल पिक्चर दिखाई देती है कि वेयर डू आई स्टैंड, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरा शरीर कैसे काम कर रहा है, आज जो मैं इतना डिलीवर कर रहा हूँ अगले 4 साल में कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। रिलीज़ आइए वापस बीच में। तो अपने शरीर को सेट रखेंगे तभी आपका काम सेट रहेगा, इसलिए चीज़ों को रेगुलेट करके और मैनेज करके रखेंगे। अब अगला अभ्यास जो हम करने जा रहे हैं वो कॉरपोरेट सेटिंग में बहुत नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पुरुषों में और स्त्रियों में दोनों में ही जो पेल्विक एरिया है, पेल्विक एरिया से रिलेटेड कई तरह के डिजीजेस अब राइज पे आ गए हैं। तो उस चीज़ को सेटल करने के लिए हम लोग एक दो छोटी छोटी पेल्विक की एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहला अभ्यास इसमें है एक पाद भद्रासन। भद्रासन आपने आमतौर पर देखा होगा कि फ्लोर पे दोनों आदमी पैरों को फोल्ड करके करता है, लेकिन यहाँ चेयर पे हम लोग सबसे पहले राइट लेग दाहिना पैर उठाएंगे, वेरी गुड। अब जो दाहिना हाथ है उसको राइट नी पे रखेंगे, धीरे धीरे नी को ऊपर नीचे ऊपर नीचे, आराम आराम से अपनी क्षमता अनुसार अपनी स्थिति अनुसार। लोग टाइट फिट कपड़े पहनते हैं, टाइट फिट कपड़े पहनने के कारण भी इस अभ्यास को करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो परेशान नहीं होना है। लेकिन इस अभ्यास को रूटीन में बाय एनी चांस ऑफिस में 2 मिनट ही सही रूटीन में करना है। आइए 4, 5, एक अंतिम बार 6, बहुत सुंदर। रिलीज कर दीजिए, छोड़ दीजिए। अब इसी अभ्यास को हम लोग बाईं ओर लेफ्ट साइड से करेंगे। पैर को उठा के लाइए, स्टार्ट कीजिए, नी डाउन अप, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, वेरी गुड। रिलीज, अब इसको छोड़ दीजिए, पैर को नीचे ले आइए आराम से, बहुत सुंदर। अब कई लोगों का ये कंसर्न है कि सर ये तो बहुत मुश्किल अभ्यास है, हम तो कर ही नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए एक इजी सॉल्यूशन है हमारे पास।
इजी सॉल्यूशन क्या है? इस अभ्यास में दोनों हथेलियों को अपने दाहिने नी के नीचे ले आइए। वेरी गुड, फिंगर्स को इंटरलॉक करिए। अब धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाइए हाथों के सपोर्ट से, बस आराम से क्षमता अनुसार स्थिति अनुसार, और धीरे से रिलीज करिए, वापस नीचे ले आइए। टू डाउन, थ्री। कुछ लोग बोलते हैं ना कि आराम करते करते थक गया हूँ या बैठे बैठे थक गया हूँ, रिलीज डाउन। फोर, तो बैठे बैठे होने वाली थकान को मिटाने के लिए डाउन, एक बहुत ही कारगर अभ्यास है। फाइव डाउन, सिक्स रिलीज, बहुत सुंदर। अब इसी अभ्यास को लेफ्ट पैर से रिपीट करेंगे। बहुत बढ़िया, पैर उठाइए ऊपर, अप डाउन, टू डाउन, थ्री डाउन, फोर डाउन, फाइव आराम आराम से डाउन, सिक्स रिलीज, छोड़ दीजिए। बहुत सुंदर। तो हमने नीज, थाइस, कमर, स्पाइन, शोल्डर्स, इन सारे बेसिक एरियाज, नेक, इनको कवर किया। अब हम लोग अपने पैरों के पास जाएंगे। पैर किस लिए ज़रूरी है आप जानते ही हैं, बॉडी को बैलेंस करने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए, मूवमेंट करने के लिए पैरों का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो पिंडली शक्ति विकासक हम लोग चेयर पर बैठ के करेंगे। पिंडली शक्ति विकासक हेतु अपने दोनों पैरों के बीच में 6 इंच का गैप बनाइए। 6 इंच का गैप बनाने के बाद धीरे धीरे अपनी एड़ियों को ऊपर उठाइए, पूरा मैक्सिमम जितना उठा सकते हैं उतना उठाइए। एड़ियाँ उठाने के कारण आपके काफ मसल्स में कैसा स्ट्रेच आ रहा है, स्ट्रेच को महसूस कीजिए। धीरे से एड़ियों को लाइए वापस डाउन। अब अपनी उंगलियों को उठाने का प्रयास कीजिए। बहुत सुंदर, आउटस्टैंडिंग। होल्ड करिए, स्ट्रेच करिए पूरा। ऐसा करने से आपको अपने कार्फ, मतलब जो फीट का कर्व है, कर्व में और फीट का जो ऊपरी हिस्सा है, इन दोनों एरिया में स्ट्रेच महसूस होगा। अगेन डाउन, पैरों को नीचे लाइए, पुनः हील्स को ऊपर उठाइए, दोबारा हील्स को ऊपर उठाइए। आप स्ट्रेच अप मैक्सिमम जितना उठा सकते हैं उतना रेज कीजिए। आउटस्टैंडिंग, होल्ड करिए। धीरे से लाइए वापस। आमतौर पे जो स्त्रियां हील्स पहनती हैं उनको तो ये अभ्यास नियमित तौर पे करना चाहिए। अगेन आप फिंगर्स को ऊपर उठाइए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हील्स पहनने के कारण पैर का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रीडोमिनेंटली काफ़ी देर तक कर्व शेप में आ जाता है, डाउन नीचे, तो मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहे। अगेन हील्स अप, लास्ट टाइम, अंतिम बार एड़ियों को ऊपर उठाइए, तो पैरों के मसल्स में और बोन्स में प्रॉपर सर्कुलेशन रहे, न्यूरल सेगमेंट्स ठीक से काम करते रहें, इसके लिए अभ्यास करते रहें। आइए नीचे, अगेन फिंगर्स अप, धीरे से लाइए वापस। बहुत सुंदर। अब हम लोग 2-3 मेजर आसन करेंगे। इन आसनों की श्रृंखला में जो पहला आसन है वो है अर्धचक्रासन। तो अर्धचक्रासन के लिए कम आपको अपने चेयर से खड़ा होना ही पड़ेगा, तो प्लीज़ चेयर से खड़े हो जाइए, दाहिनी ओर मुड़ जाइए। बहुत सुंदर। दोनों हथेलियाँ अपने कमर पे लेके आइए, सामने देखिए, श्वास भरिए, इनहेल, एक्सहेल करते हुए गर्दन पीछे की ओर, आराम आराम से अपनी क्षमता अपनी स्थिति अनुसार करना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना है। पैरों के बीच में 3-4 इंच का गैप बना के रखना है। नॉर्मल ब्रीदिंग मेंटेन करनी है। ब्रीदिंग मेंटेन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इसमें ब्रीथ नहीं करेंगे तो चक्कर आने की संभावना हो सकती है। धीरे धीरे आइए वापस। एक बार पुनः रिपीट करेंगे। श्वास भरिए, इनहेल, श्वास छोड़ते हुए जाइए पीछे की तरफ। आप देख सकते हैं कोमल ने अपने चेस्ट को, अपने शोल्डर्स को पूरी तरह स्ट्रेच किया हुआ है। अपनी क्षमता अनुसार स्थिति अनुसार इसको करना है।
धीरे से आइए वापस। वेरी गुड। अब हम लोग 90 डिग्री पादहस्तासन करेंगे। 90 डिग्री करना क्यों ज़रूरी है, हमने ऑफिसेज के लिए इसको 90 डिग्री के लिए क्यों मॉडिफाई किया है, क्योंकि ऑफिस में इतना स्पेस आमतौर पे नहीं होता है कि आप लोग पूरा का पूरा पादहस्तासन मैनेज कर पाएँ। इसलिए जो आपका चेयर है, जो आपका क्यूबिकल है, जो आपका वर्क स्टेशन है, उसी को आप लोग मैनेज कर लीजिए, और मैनेज करने के कारण इस स्पेस में 90 डिग्री पे होल्ड करने के लिए प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए। श्वास भरिए, श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों को ऊपर उठाइए, सिर के ऊपर लेकर जाइए, स्ट्रेच अप। अब श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकना है, दोनों हथेलियाँ सामने चेयर पे सपोर्ट के तौर पे लेनी है, बैक को सीधा रखने का प्रयास करना है, गर्दन सामने की तरफ। आप देख सकते हैं कोमल ने अपना बॉडी वेट अपने हील्स और अपने टोस के बीच में रखा हुआ। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, पूरा बॉडी वेट या तो पीछे की तरफ डाल देते हैं या पूरा बॉडी वेट आगे की तरफ डाल देते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि बॉडी वेट हील्स और टोस के बीच में जो आर्क ऑफ द फुट है उस पर इक्वली बैलेंस्ड रहे। चलिए यहाँ पे होल्ड करना है, अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करना है, ज़्यादा देर होल्ड नहीं करना है, क्योंकि शुरू में करने में तकलीफ होगी, सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। धीरे धीरे आइए वापस, कम अप, दोनों हथेलियों को ऊपर लेके आइए, हाथों को साइड से नीचे ले आइए। एक अंतिम बार इसको और करेंगे, श्वास भरिए, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाइए, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आइए, स्ट्रेच कीजिए सामने की तरफ। सामने देखिए, बॉडी वेट बैलेंस कीजिए, रिलीज, छोड़ दीजिए, आइए वापस। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो आसनों की श्रृंखला में यही दोनों अभ्यास थे जो आप लोग ऑफिस में अगर बैठे हुए हैं तो नियमित तौर पे इसको कर सकते हैं। अब हम लोग प्राणायाम करेंगे। तो प्राणायाम में हमारे पास तीन अभ्यास हैं। सबसे पहला अभ्यास दीर्घ श्वसन का है, इसमें लंबी धीमी गहरी श्वास भरनी है और लंबी धीमी गहरी श्वास छोड़नी है। उसका अभ्यास जो है, उसके बाद जो अभ्यास है वो अनुलोम विलोम प्राणायाम का है, और अंत में भ्रामरी गुंजन है। ये तीनों अभ्यास आपके कॉरपोरेट स्ट्रेस और आपके एग्जीक्यूटिव स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होंगे। तो दीर्घ श्वसन के लिए अपनी दोनों हथेलियों को अपनी नाभि के दाहिने व बाएं तरफ रख दीजिए, आंखें बंद करिए, बंद आंखों से धीरे धीरे श्वास भरिए और श्वास भरते हुए पूरा पेट फुलाइए, सांस अंदर पेट बाहर। अब श्वास छोड़ते हुए स्टमक को रिलीज करिए, श्वास बाहर पेट अंदर। एक बार पुनः, सांस अंदर पेट बाहर, मैक्सिमम पेट को बाहर निकालने का प्रयास कीजिए, जितना मैक्सिमम पेट को बाहर निकाल सकते हैं, सांस बाहर पेट अंदर। अब एक अंतिम बार इस अभ्यास को रिपीट करेंगे, श्वास भरिए, पेट को पूरा का पूरा फुलाइए मैक्सिमम, श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ ले आइए। बहुत सुंदर। अब दोनों हथेलियों को अपने घुटने पर रखिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम हेतु दाहिने हाथ की प्रणव मुद्रा बनाएंगे, अंगूठे से दायां स्वर यानी राइट नॉस्ट्रिल बंद कर लेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास भरेंगे इनहेल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्लोज करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से जिसको बंद किया हुआ था उससे उसको खोल के एक्सहेल कर दीजिए। अब इनहेल करिए राइट नॉस्ट्रिल से, क्लोज करिए नोज को, नॉस्ट्रिल को, और एक्सहेल कर दीजिए लेफ्ट साइड से। एक बार इसको पुनः रिपीट करेंगे, श्वास भरिए, इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट साइड, close the left nostril, exhale from the right side, दाहिने नासिका से, दाहिने नासिका रंध्र से बाहर श्वास निकाल दीजिए।
अब दाहिने नासिका से श्वास भरिए, इनहेल, एक्सहेल करते हुए बाएं नासिका से श्वास निकाल दीजिए। प्रणव मुद्रा को रिलीज करेंगे। अंतिम बार जो आज का अंतिम अभ्यास है, जो कि भ्रमर गुंजन है, भ्रमर गुंजन हेतु दीर्घ श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान गुंजन करना है। एक बार पुनः श्वास भरिए, भ्रमर के समान गुंजन कीजिए। लास्ट टाइम इनहेल, एक्सहेल, श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान। एग्जीक्यूटिव स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जो योग अभ्यास किए जा सकते हैं वो यहीं समाप्त होते हैं। अब हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के लिए दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रब कीजिए। हथेलियां अपने चेहरे पर लगाइए। धीरे धीरे हथेलियां हटाते हुए आंखें खोल लीजिए। आज का अभ्यास यहीं तक। बहुत सुंदर अभ्यास देखा आपने योग शक्ति कार्यक्रम के माध्यम से। ये डेमोस्ट्रेट किया हमारे लिए कोमल वत्स ने। आप एलुमनाई हैं मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से। कोमल, मैं आज के सत्र के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। सर, आपसे एक प्रश्न और जानना चाहेंगे, क्योंकि हम आज योग फॉर एग्जीक्यूटिव स्ट्रेस पर बात कर रहे हैं। ऐसे में चेयर पर बैठकर हमने अपने अभ्यास किए, और चेयर का चुनाव या फिर चेयर पर हम जनरल भी कैसे बैठें वो आपसे जानेंगे, और फूड हैबिट, जैसे हम अपना ब्रेकफास्ट या लंच करते टाइम क्या क्या गैप रखें, ये सब चीज़ें भी अगर आप हमारे दर्शकों के लिए बताएं तो ये एग्जीक्यूटिव स्ट्रेस में हेल्प करेगा। वेरी गुड। जहाँ तक चेयर्स की बात है तो चेयर्स में यथासंभव कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो स्पाइन है स्पाइन स्ट्रेट हो। आपके लिए नेक का एक छोटा सा रेस्ट ऑप्शन रहे कि आप अपने नेक को प्रॉपरली उस पर टिका सकें। और कोशिश करें कि जो आजकल एर्गोनॉमिक्स चेयर आ गई हैं, अगर ऑफिस में नहीं ले सकते हैं तो घर में एक एर्गोनॉमिक चेयर जरूर रखें जी। और जहां तक डाइट की बात है तो अभी कुछ टाइम पहले जोमेटो ने 5 सितंबर को एक मीम रिलीज किया था जिसमें उसने कहा था, डियर टीचर्स, अब हम लंच स्किप कर देते हैं, काम स्किप नहीं करते। तो प्लीज अपना लंच स्किप ना करें। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का एक प्रॉपर टाइम रखें। भले ही क्वांटिटी कम रखें लेकिन तय कर लीजिए कि अगर 1 से 2 के बीच में लंच करना है तो बाय एनी चांस 2 बजे से पहले आपका लंच हो जाना चाहिए। अगर 9 to 10 के बीच में ब्रेकफास्ट करना है तो बाय एनी चांस 10 बजे से पहले ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। डिनर लाइटेस्ट पॉसिबल रखें जी। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे साथ जुड़े आज के योगा एक्सपर्ट सर का, कौतुक किशोर चतुर्वेदी हैं सर हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार सर आज के सत्र के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सभी दर्शकों का भी आज के सत्र के लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ। और इस सत्र को समाप्ति से पहले मैं अपने एक ई शैक्षिक ई कंटेंट प्रतियोगिता के बारे में अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी। और इस कॉम्पिटिशन के बारे में बताते हुए हमें बहुत हर्ष हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि CIIT NCERT इस वर्ष के लिए अखिल भारतीय बच्चों की शैक्षिक ई कंटेंट प्रतियोगिता की घोषणा कर चुका है। यदि आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक प्रशिक्षक हैं, छात्र हैं या फिर आप स्वतंत्र शैक्षिक ई कंटेंट निर्माता हैं तो आप प्रतियोगिता के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ ई कंटेंट भेजने के लिए आमंत्रित हैं।
अधिक जानकारी के लिए और प्रवेश पत्र के लिए कृपया आप CIET की वेबसाइट देखें या फिर आप अपने स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर भी वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। आपकी प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तारीख 30 जनवरी 2024 है, तो आप ज़रूर CIET NCERT की इस ई कंटेंट प्रतियोगिता से भी जुड़ें। और योग शक्ति के साथ ही हमारे CIET NCERT के जितने भी लाइव सत्र हैं, जो कि अब थोड़ी ही देर में 12 बजे से भी शुरू हो जाएंगे, तब भी जुड़ें। और 2 से लेकर 5:30 बजे तक के आज के सभी लाइव सत्रों से भी ज़रूर जुड़ें। ये आपके ज्ञान की शक्ति के साथ साथ आपकी मानसिक और शारीरिक दोनों ही क्षमताओं को बढ़ाने के लिए काम करेगा। तो ऐसे में आपका दिन शुभ हो, यही मेरी आपके लिए सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। मैं सृजन राजपूत आप सभी से चाहूंगी अनुमति। नमस्कार।